प्रवचन संख्या 270 संपूर्ण संसार। सुख उसको कहते हैं जो मन को और इंद्रियों को सुहाता है। इससे कोई विशेष सुख है तो लोग समझते हैं बौद्धिक सुख है, परंतु बुद्धि को मन और इंद्रियों से ऐसा संबंध है कि मन इंद्रियों के संपर्क में नहीं है, तो ऐसे को बुद्धि नहीं समझ सकती। मतलब यह कि बुद्धि मन और इंद्रियों की संगिनी है, इतना ही फर्क है। इंद्रियां सब मन से स्थूल, मन उससे सूक्ष्म और बुद्धि मन से भी सूक्ष्म, परंतु तीनों को मेल है। मन इंद्रियों से जहाँ मेल नहीं उसको बुद्धि नहीं जानती। मन इंद्रियों से प्राप्त सुख को लोग जानते हैं। मन इंद्रियों से परे मानने योग्य और कोई सुख है उसको बहुत अधिक लोग नहीं जानते। पहले आप देखिए कि मन और इंद्रियों से जानने योग्य सुख से क्या फल आपको मिलता है। क्षणिक सुख मिलता है, दुख से मिश्रित सुख मिलता है, उसके बाद फिर दुख आता ही है। संसार में बहुत से प्रभावशाली लोग आए, बुद्धि में बहुत तीव्र लोग आए, उत्तम उत्तम शासनकर्ता लोग आए, शारीरिक बल ऐसा कि उसको पढ़कर जानने में आश्चर्य लगता है, असंभव लगता है। ऐसे लोग संसार में आए जिनकी पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है। भारत के लोग जिनको बड़ी भक्ति और भाव से देखते हैं वे भी पूर्ण सुखी रहे, ऐसा नहीं देखा जाता है। उन लोगों पर भी दुख आया और वे कठिनाई से उसको सहन किए। मेरे कहने का भाव यह कि जो सुख मिलता है वह सुख केवल सुख नहीं है, उसके साथ दुख भी है। लोग चाहते क्या हैं? सुख हो, दुख नहीं हो। ऐसा सुख कि उसमें डूबे रहें उबे नहीं, ऐसा सुख क्या संसार में है? क्या पुरानी बातों में, क्या अब की बातों में? ऐसा सुख संसार में देखा नहीं जाता। सुख सुख कहकर जिस पदार्थ को मानते हैं उसके साथ दुख लगा रहता है, सुख भागता जाता है, दौड़ते दौड़ते शरीर खत्म हो गया, तृप्ति कभी नहीं हुई, संतुष्टि कभी नहीं हुई, तृष्णा लेकर संसार से चले गए। रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत क्या बतलाती है? सब में यही कथा पढ़ते हैं, जो लोग बहुत विशेष थे वे लोग भी बहुत दुख पाए और उसको साहस से सहन किए। जो औरों से सहना कठिन था उन्होंने नमूना दिया कि किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए कि संसार में पूर्ण सुखी कोई है। मैं कहूँगा जो केवल इस संसार को जानते हैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, वे इस देश में अन्य देश में राष्ट्रपति तो मानते हैं लेकिन संपूर्ण विश्व का कोई एक ही मालिक है वह ऐसा नहीं मानते। ज़्यादा खोज करने पर यही कालिक और पौराणिक ग्रंथों में है कि संपूर्ण संसार का शासनकर्ता एक अवश्य है और वह सुख भी है, जिसको पाकर कोई उबता नहीं, वह कभी फीका नहीं लगता, सदा मीठा रहता है, सदा ही लगा रहता है, कभी छूटता नहीं है। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो सुजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। भक्तवर सूरदास जी महाराज। गूंगा आदमी मीठा खाता है, स्वाद मालूम होता है लेकिन वर्णन नहीं कर सकता। सूरदास जी कहते हैं परम स्वाद,
आँख से रूप, कान से शब्द, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श, जिभ्या से रस ग्रहण करते हैं, लेकिन ये सब कोई भी परम स्वाद नहीं। परम स्वाद इंद्रियों में नहीं। कभी कभी कोई बात जो समझ में आती है वह भी अच्छी लगती है, लेकिन परम स्वाद सदा लगा ही रहता है। उसका फल अमित तोष होता है, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, लेकिन मन नहीं जान सकता, वचन से ही बोला जा सकता। जो पाता है वही जानता है। वह स्वाद भी है और सारा विश्व का एक शासक भी है। वह शासक कैसा है? वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ। वह देश कालातीत है, स्थान और समय का पता नहीं। तब वह था, स्थान हो समय नहीं हो, समय हो स्थान नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ समय है वहाँ स्थान, और जहाँ स्थान है वहाँ समय होगा। देश काल माया है, वह देश कालातीत है, वह कभी हुआ है ऐसा नहीं। वह सबसे प्रथम का है, वह परम पुरातन, परम सनातन, साथ ही साथ देश काला, देश काल ज्ञान से अनादि हैं और उपज ज्ञान से भी अनादि हैं। ना उपजा है, ना देश काल की सीमा में है, कहीं उसका अंत नहीं, वह आदि अंत रहित हैं। व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि न अंत सुमध का है। सुंदरदास जी, सबसे प्रथम का कुछ मानना युक्ति संगत बात है या नहीं? सौर जगत में सूर्य से पहले का कुछ नहीं है, पंच भौतिक जगत में आकाश से पहले कुछ नहीं है। जहाँ बहस नहीं होता, जहाँ सौर जगत और पंच भौतिक जगत में पहले क्या है? सौर जगत में पहले सूर्य और पंच भौतिक जगत में पहले आकाश, यह दृढ़ माना जाता है। समूचे संसार में यह ज्ञान है कि एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेक है। प्रकृति से सारे ब्रह्मांड निर्मित हैं। इतना बड़ा मंडल है कि प्रकृति उससे भर नहीं जाती। इन सब में रहते हुए सबसे परे अनादि अनंत तत्व अवश्य है। सौर जगत के पहले अवश्य सूर्य होगा और पंच भौतिक जगत के पहले अवश्य ही आकाश होगा। इन सबसे पहले का कुछ भी हो, यह क्यों नहीं माना जा सकता? सारे प्रकृति मंडल में जो कुछ है देश काल से घिरा हुआ है। जहाँ देश काल नहीं, प्रकृति की रचना नहीं, वहाँ देश काल नहीं है। देश काल के परे कुछ है, वही सबसे प्रथम का है, वह है ही। न उसका कहीं आदि है, न अंत है। वह सर्वज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार नहीं मानिए तो ज्ञान कहाँ से आया? संसार में सबको ज्ञान है, किसी को कम किसी को बेसी, यह कहाँ से आया? संसार में बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, यह शक्ति कहाँ से आई? जो अनादि अनंत देश कालातीत हैं, वही ज्ञान का भंडार है, वही सर्वशक्ति का खजाना है। वह कितना सूक्ष्म है कि मन बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए वह सर्वव्यापक होकर सबसे बड़े भी है। जो अनादि अनंत नहीं होगा, वह सबसे प्रथम का नहीं होगा। अगर ऐसा अनादि अनंत नहीं मानेंगे, ससीम मानेंगे, तो उसके अतिरिक्त भी कुछ मानना होगा। उसके अतिरिक्त जो होगा वही सबसे पहले का होगा, तब वही ईश्वर परमात्मा हो जाएगा। एक ऐसा अवश्य कहना होगा जो आदि अंत रहित तत्व है, अनादि अनंत तत्व से परे कुछ है, ऐसा मानना हास्यप्रद है। असीम अनादि से परे का मानने वाला असीम का, अनंत का अर्थ नहीं जानता है। जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना अधिक व्यापक होता है। एक सिर्फ बर्फ की जितनी आप व्यापकता होगी,
उसका पानी बना लेने से उसके अधिक व्यापकता हो जाएगी, क्योंकि बर्फ से पानी सूक्ष्म होता है। यह मिसाल बतलाता है कि जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना अधिक विस्तार रखता है, जो सबसे अधिक सूक्ष्म है वह सबसे अधिक व्यापक है, जहाँ तक रचना है वहाँ तक व्यापक है, जिनका मंडल सबसे विशेष विस्तार होता है, उनके अंदर सब रहते हैं, उनके शासन में सब रहते हैं, जिनके शासन में जिनके प्रभाव में रहना पड़े वे ही प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उन्हीं के लिए सुना। व्यापक व्यापक अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, वह व्याप्य हैं और व्यापक भी हैं, जिसमें कुछ समावे वह व्याप्य है, जो समावे वह व्यापक है। प्रकृति मंडल व्याप है, परमात्मा व्यापक हैं, प्रकृति परमात्मा के अंदर है, इसलिए परमात्मा भी व्याप्य हैं, उनका टुकड़ा नहीं है, आकार नहीं है। आकार मानने से ससीम हो जाएगा, विराट रूप आदि अंतरहित हैं, ऐसा कितने लोगों का ख्याल है। बलि के सामने पहले छोटे रूप में पीछे बड़े रूप में भगवान हुए, आकार बहुत बड़ा था, पद पताल शीश अजधामा, जामवंत उस समय जवान थे, उन्होंने उनकी सात प्रदक्षिणा की। यदि विराट रूप आदि अंतरहित होता तो प्रदक्षिणा कौन करे? अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया गया उसके साथ मुंह पैर आदि को कोई गिन नहीं सकता था, उसमें घोर दर्शन भी और प्रिय दर्शन भी था। अर्जुन उस रूप से बाहर थे, उस रूप को देखकर डर रहे थे, उस रूप के अतिरिक्त और स्थान था, तब अर्जुन अलग खड़े थे, यही ससीमता आ जाती है। और कौरव पांडव दल के लोग सब ओर से टिड्डी की तरह आते थे, उनके मुंह में प्रवेश करते और मर मर कर गिरते थे, यह भी ससीमता बताना है। कितना बड़ा भी रूप होगा वह ससीम होगा, रूप में ससीमता अवश्य होगी, विराट रूप से अधिक विस्तार रूप नहीं हो सकता, फिर भी उसकी ससीमता जानी जाती है। जामवंत सात बार उसको घूम घूम कर प्रदक्षिणा किए, उभय घड़ी मह दिन्ही सात प्रदक्षिण धाई, कोई भी शरीर आदि अंतरहित का कर जानने योग नहीं है, इसे निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, गोस्वामी तुलसीदास जी। इसका अंत नहीं होगा, इसमें इधर उधर से कुछ नहीं आवेगा, सब उसी में है, सबसे प्रथम का कुछ नहीं है, कहा नहीं जा सकता, यदि कहता है तो जोर करता है, जिद करता है। अनेक मानने के लिए अवकाश मानना पड़ेगा, बिना अवकाश के एक और अनेक का ज्ञान नहीं होता। कान और कनपट्टी के बीच में खाली जगह नहीं हो तो दोनों की पहचान नहीं हो सकती। संसार की रचना ईश्वर ने क्यों की? ऐसा हुआ वैसा क्यों किया? यह बात मैं नहीं करता। सीमित बुद्धि में असीम का ज्ञान करना हो नहीं सकता। अगुण अदब्ध गिरा गोतीता सबदर्शी अनबद्ध जीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सगुणवासी ब्रह्म निरि बिरज अविनाशी गोस्वामी तुलसीदास जी। तो अपने यहाँ राम ईश्वर हैं, कृष्ण ईश्वर हैं, विष्णु ईश्वर हैं, शिव ईश्वर हैं, गणेश ईश्वर हैं, सूर्य ईश्वर हैं, काली माई ईश्वरी हैं, हाँ है, क्योंकि इनमें शक्ति पाते हैं, बड़े बड़े कर्म इनमें पाते हैं, तो क्या ईश्वर बहुत है? ईश्वर के मानने वाले एक से अधिक ईश्वर नहीं मानते। राम के मानने वाले राम को, कृष्ण के मानने वाले कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। ईश्वर अनेक नहीं, सब में एक ही ईश्वर है, राम में, विष्णु में, शिव में, सब में एक ही ईश्वर है, श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा, महान महान विभूतियाँ हैं। राम कृष्ण आदि रूप को पहचानते हैं, आँख नहीं हो तो रूप को कौन पहचाने? जन्मांध कभी कुछ नहीं देखता, जिसको देखने की शक्ति नहीं उसको रूप ज्ञान नहीं होता। सर्वव्यापी का ज्ञान जिसको कहा कि त्रैगुण रहित है, निराकार है,
उसके लिए ना कान ना आँख काम कर सकती है, शरीर की सारी इंद्रियाँ भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अवेगत कतपार नित नित निगम कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।